प्रिया मलिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिया, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक होममेड हेयर कलर या हेयर डाई बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके सफ़ेद बालों को काला बनाने के लिए। ये होममेड हेयर कलर एक तो 100% नेचुरल है, साथ ही इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको आफ्टर और बिफोर में ये दिखा रही हूँ जिससे कि आपको ये पता चल सके ये कितना इफेक्टिव है। बिफोर में आप देख रहे हैं वाइट हेयर है और इसको यूज़ करने के बाद काफ़ी हद तक ये बाल ब्लैक हो गए हैं। हम बाज़ार के केमिकल वाले कलर यूज़ करते हैं जो कि हमारे स्किन और आई साइड को भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो केमिकल वाले कलर्स छोड़िए और ये नेचुरल हर्बल कलर यूज़ करिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको रोज़ रोज़ केमिकल अपने स्किन और हेयर पर लगाने नहीं पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं आप इस हेयर कलर को कैसे बनाएंगे। इस हेयर कलर को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। एक तो मैं यूज़ करूँगी हीना यानी मेहंदी और दूसरा इंग्रेडिएंट मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ ये कन्फ्यूजन में मत रहिए कि हीना यूज़ करने से आपके बाल ऑरेंज या रेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हीना हम एक इंग्रेडिएंट सेकंड इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आपके बाल बिल्कुल भी ऑरेंज नहीं होंगे, बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। हेयर कलर बनाने के लिए आपको इन दोनों इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी सेम लेनी है अपने बालों के अकॉर्डिंग। लेंथ के अकॉर्डिंग जितने बड़े आपके बाल हैं आप उतना इसका क्वांटिटी लीजिए। यहाँ पे मैं एक कटोरी हीना और एक कटोरी दूसरा इंग्रेडिएंट ले रही हूँ। सबसे पहले आप इस हीना को एक बोल में डाल लीजिए और अब इसमें आप ऐड करिए 3 टेबलस्पून दही यानी कर्ड। कर्ड नहीं है आपके पास तो आप 1 चम्मच नींबू का रस भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और आप इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे इस हीना को मिक्स करने के लिए यानी घोलने के लिए। अब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। मिक्स होने के बाद हीना पेस्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, इस हीना पैक को आपको कवर करके रख देना है या फिर ढक के रख देना है 7 से 8 घंटे के लिए, क्योंकि 7-8 घंटे रखने के बाद ही हीना का कलर आता है। तो यहाँ पे भी आपको यही प्रोसेस अपनानी है, इसको कवर करिए या कोई ढक्कन से ढक के 7-8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। सात से आठ घंटे होने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, हीना का कलर चेंज हो चुका है, ये डार्क ब्राउन सी दिखाई दे रही है। अब इसमें हम ये सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ये सेकेंड इंग्रेडिएंट है इंडिगो पाउडर। ये आपको मार्केट में या ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इंडिगो पाउडर भी हीना की तरह ही एक इंडिगो प्लांट के लीव्स होते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं और ये हमारे बालों को कलर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब इसको आप एक कटोरी ही जितनी आपने हीना ली थी उतना ही पाउडर लेके अब इसमें हीना में आप इस इंडिगो पाउडर को ऐड करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, इंडिगो पाउडर आपको तभी ऐड करना है जब आप ये कलर लगाने जा रहे हों। अब आप इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से हीना के साथ मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, इंडिगो पाउडर भी हीना पाउडर की तरह ही होता है, ये भी एक प्लांट की लीव से बना हुआ होता है जो कि 100% नेचुरल होता है। तो अब आपका ये पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है, यानी होममेड हेयर कलर या हेयर डाई आपकी तैयार है लगाने के लिए। आप इस हेयर डाई को या हेयर कलर को अपने साफ धुले हुए बालों में लगाएंगे, ऑयली और गंदे बालों में इसको नहीं लगाना है। इसको लगाने के बाद आप 1 से 1.5 घंटा अपने बालों में इसको रखिए, फिर नॉर्मल वाटर से धो लीजिए और धोने के बाद आपको 24 घंटे तक शैम्पू नहीं करना है। और धोने के बाद आपको इसका इफेक्ट ज़रूर दिखाई देगा, आप देख सकते हैं वाइट हेयर ब्लैक हो जाएंगे। तो ये था एक इंस्टेंट मैथड होममेड हेयर कलर यूज़ करने का, वो भी नेचुरल, जिससे आपके वाइट हेयर
ब्लैक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करिएगा जिससे वो भी केमिकल वाले कलर से बचें। और हाँ, आप मुझे अब इंस्टाग्राम फेसबुक और गूगल प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपडेट्स के लिए, तो मुझे जल्दी जल्दी फॉलो करिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि कोई भी मेरी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सके। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।